नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको खबर दिखाते हैं विजावर क्षेत्र की। वैसे तो अगर दबंगों की बात की जाए तो वो जहां चाहते हैं अवैध कब्जा करते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें भरसक प्रयास क्यों ना करना पड़े। एक बड़ा ही वाक्या सामने आया है विजावर से, जहां पर अब दबंगों ने एक शिक्षा के मंदिर को अपना निशाना बनाया है। तंत्र मंत्र की एक माया जाल को फैलाते हुए यहां पर बच्चों के अंदर एक मनोभावनों को प्रकाशित करते हुए दबंग उस पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जिससे भय होकर बच्चों के दिमाग में भी एक खौफ हो गया है कि कहीं जादू टोना उनके दिमाग से अब उनके घर तक ना पहुंच जाए, जिसके कारण बच्चे अब स्कूल भी जाने में असमर्थ होते हैं और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। शाला प्रभारी ने बताया कि ओपू अहरवार द्वारा शाला में बने शौचालय के गड्ढे और हैंडपंप को पूर दिया गया है, साथ ही जहां बच्चे खेलते हैं उस जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है। आए दिन शाला परिसर पहुंचकर तंत्र विद्या कर बच्चों को डराता है, जिससे बच्चों की उपस्थिति में भी दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। शाला में दर्ज छात्राओं में से अगर देखा जाए तो संख्या तकरीबन 61 है, लेकिन आज की अगर स्थिति देखी जाए तो बच्चे ना के बराबर ही शाला में पढ़ने आ रहे हैं। इस बारे में कई बार अपने अधिकारियों से स्कूल के स्टाफ ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं और उन्हें जबरन डराया और धमकाया भी जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो यह दबंग उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित कर दे और शाला प्रभारी में वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी बदली करवाने के लिए भी बार बार गुहार लगाई जाती है। वहीं जब संबंध में थाना प्रभारी से संपर्क किया जाता है तो उनके कॉल भी रिसीव नहीं होते हैं, ऐसा आरोप स्कूल के पदस्थ शिक्षकों ने लगाया। तांत्रिक विद्या काटा है, मिर्ची के फल काटता है और शौचालय के गड्ढे पूर दिए हैं और हैंडपंप का बोर भी पूर दिया है और स्कूल का ताला भी तोड़ दिया था, जिससे पुलिस बल मौका पे आई थी, लेकिन वो ताला तोड़ देख करके कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर छतरपुर शहर की। यहां पर हरगोविंद हैमल की पुण्यतिथि में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 16 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन करते हुए इस आयोजन को सफल किया गया। आइए कुछ जल के दिखाते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से। आपको बता दें छतरपुर में हरगोविंद हैमल की पुण्यतिथि पर आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर में चयनित 16 मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन किए गए, जिसमें 12 मेजर और माइनर ऑपरेशन थे, जिसमें डॉक्टर अशोक हैमल और 2 ऑपरेशन डॉक्टर यशस्वी कौशल जो कि नाक कान और गले के स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा किए गए। वहीं 2 ऑपरेशन डॉक्टर TC अग्रवाल जो कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाने जाते हैं और डॉक्टर MBN खरे के द्वारा नर्सिंग होम में किए गए। डॉक्टर MBN खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन जिन मरीजों का ऑपरेशन किए गए हैं वह सभी पूर्णता से स्वस्थ हैं और सभी मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन यह किए गए हैं, जिसमें निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद शुक्ला, डॉक्टर रमेश रिछारिया, रामकृपाल निगम, हरप्रसाद रेगवार, डॉक्टर अखिलेंद्र सक्सेना, राजकुमार पटेल, पुष्पा पूजा, प्रज्ञा संध्या सिस्टर सहित पूरे स्टाफ का निःशुल्क सराहनीय सहयोग भी इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर में रहा। 23 तारीख को डॉक्टर हेमल ने हमारे नर्सिंग होम में 14 ऑपरेशन हुए टोटल, इसमें से प्लास्टिक सर्जरी के 2 थे, ENT वाले 4 ऑपरेशन थे और बाकी ऑपरेशन डॉक्टर हेमल ने किए हैं। इसमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, दुर्बीन पद्धति से पेशाब की रस्ते की सिकुड़न होती है उसके ऑपरेशन हुए हैं। पेशाब के रास्ते में एक महिला के मांस बढ़ गया था, जिसका ऑपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट था, वो ऑपरेशन डॉक्टर हेमल ने किया है। इस प्रकार से टोटल 14 ऑपरेशन हुए हैं और ऑपरेशन के बाद में सभी मरीज स्वस्थ हैं और उसमें से 3 मरीजों की तो छुट्टी हो चुकी है, बाकी की भी एक आध दिन में छुट्टी हो जाएगी। सभी प्रसन्न हैं और उनकी प्रसन्नता का कारण बीमारी ठीक होना तो है ही, साथ ही एक कारण ये भी है कि उनका ऑपरेशन एक ऐसे डॉक्टर द्वारा किया गया है जो कि विश्व प्रसिद्ध सर्जन है, तो हम लोग को भी इस बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर हेमल के साथ में काम करने का हमें मौका मिला। क्या कोई चार्ज लिया गया मरीजों से? नहीं, मरीजों से चार्ज नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ मरीज जो वेल टू डू थे उनसे दवाइयाँ कुछ मंगाई गई हैं, बाकी जो गरीब मरीज थे उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया है।
हमारे डॉक्टर साहब भी हायर किया था और कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया था। किस कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया? ये ऑडिटोरियम कैंप लगा था, डॉक्टर हेमंत साहब आई थी, आवासीय डॉक्टर आई थी, उस कैंप में रजिस्ट्रेशन। किसका किस चीज़ का ऑपरेशन किया गया है? ये पैसा भी लगा थे, कार्ड थी, कार्ड थी, निकल गई तो बढ़िया सफल हो गया। क्या कोई चार्ज लिया गया? नहीं, कोई पैसा। टोटल निःशुल्क दवाइयों का कोई चार्ज? हाँ, कोई चार्ज। और चलिए अब दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में दूसरी खबर, जहां जो कि नौगांव क्षेत्र से आ रही है। यहां नौगांव में अध्यावासी स्वर्णकार समाज के द्वारा दशहरे मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेक प्रस्तुतियों को देखते हुए बैठक के रूप में चर्चाएं भी की गई। आइए कुछ झलकियां यहां की भी दिखाते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नौगांव स्वर्णकार समाज द्वारा दशहरे मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा शानदार तकरीबन 25 प्रस्तुतियां दी गई। मौजूदा लोगों ने प्रस्तुतियों को देखकर रंगारंग माहौल को देखते हुए सभी मौजूदा लोग तालियों की गड़गड़ाहट देते हुए उत्साहित हो गए। साथ ही 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। वह आगे समाज के अन्य बच्चों को एक संदेश के रूप में इस प्रकार की रूपरेखा पहली बार की गई, जिसमें समाज के अन्य बच्चे भी एक शिक्षा के तौर पर आगे बढ़कर आए और नई नई उपलब्धियों को हासिल करते हुए इसी प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल हों। इस पूरे दशहरा के कार्यक्रम में समाज के हर एक उपस्थित बंधु मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है और यह बच्चों के द्वारा भी प्रतिभागी इसमें पहले फर्स्ट टाइम करवाया गया है और लेडीज भी इसमें फर्स्ट टाइम आई है। कम से कम नौ 30-35 बच्चों ने यह कार्यक्रम किया है। क्या मानती हैं आप इस प्रोग्राम को? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसे आगे भी प्रोग्राम अच्छे होते, प्रेरित होते रहें बच्चे ऐसे और महिलाएं होती रहें और आगे यह प्रोग्राम चलता रहे। नमस्कार दर्शकों, खबर देनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाई। नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि परसों करवा चौथ है। करवा चौथ को लेकर छस्सा चौक पर अभी से ही करवा की दुकानें यहां पर लगा दी गई हैं, जिस वजह से बिक्री भी की जा रही है। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि महंगाई होने की वजह से ये बिक्री भी कम सामने नजर आ रही है। तो वहीं महिलाएं भी घरों में तरह तरह के पकवान बना रही हैं। यह करवा चौथ महिलाएं अपने पति की लंबी आयु को लेकर और घर में सुख समृद्धि को लेकर ये व्रत रखा जाता है। महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और रात्रि के दौरान जब चांद देख लेती हैं तभी अपना उपवास तोड़ती हैं। कल परसों तो चलेगी तेज। कितने का देते हो? एक 20 एक सेट बना के 80 रुपये का सेट आता भाई, और एक सिंगल भी का आता। बिक्री डाउन है अभी है? अभी डाउन है। कैसी रखती है? दिन भर उपवास रहती है? महंगाई का असर है त्योहारों पे? ग्राहक कम आते हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिश्रा। नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बड़ा मलारा से। बड़ा मलारा में जब एक 9 वर्षीय मासूम जब साइकिल चला रहा था तभी रास्ते में तेज रफ्तार में एक ट्रक निकला और उसके साथ टक्कर मार दी। टक्कर मारने की वजह से हाथ गंभीर रूप से, हाथ में चोटें आई हुई हैं और यह गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल ही परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर आए और जहां पर उसका उपचार चल रहा है। तो वहीं परिवार के बताए अनुसार ट्रक को भी बड़ा मलारा थाने में जब्त कर लिया गया है। साइकिल से जा रहे थे, समाज से ट्रक आ कहां जा रहे थे? फिर होगा होता ही एक्सीडेंट जैसे होगा। कभी कैसे होगा? किसने मारा? फिर क्या हुआ? पकड़ गया वो? पकड़ गया थाने में। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। जनपद बेजावर अंतर्गत ग्राम पंचायत किशनगढ़ में आबादी वाले क्षेत्र में अवैध रूप से गैस गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। वैसे नियम अनुसार गैस गोदाम का निर्माण आबादी वाले क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। गैस गोदाम का निर्माण किशनगढ़ निवासी दिनेश लखेरा पिता मोहन लखेरा के द्वारा किया जा रहा है। शासन के नियमों के विपरीत है, जबकि नियम अनुसार गैस गोदाम का निर्माण बस्ती से 5 किलोमीटर दूर बाहर कराया जाता है।
एलपीजी गैस अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक होती है, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों को जनधन की हानि भी हो सकती है। गोदाम निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होती है, किंतु ग्राम पंचायत किशनगढ़ से इस निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। देखने वाली बात यह है कि जहां यह निर्माण कार्य हो रहा है उसके ऊपर 11,000 केवी की विद्युत लाइन भी निकली हुई है। अब यह गोदाम किसकी अनुमति से बनवाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, यह सब कुछ समस्या परे है। इस गोदाम को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इस गोदाम निर्माण की शिकायत बिजावर नायब तहसीलदार राजस्व मंडल देवरा के यहाँ भी की जा चुकी है। शिकायत पर अमल करते हुए नायब तहसीलदार ने तत्काल निर्माण कार्य में रोक लगा दी। ग्राम पंचायत किशनगढ़ के लोगों का कहना है कि यहाँ हम किसी भी कीमत पर गैस गोदाम नहीं बनने देंगे। गैस गोदाम बनवा रहा है हमारों के घर अगल बगल में है, हमारे को खतरा है, हम नहीं बनवाबो चाहे। अच्छा अच्छा, क्या खतरा है आपको इससे? अब डबल लाइन कड़ी जा 11,000 वोल्ट वाली, हम नहीं चाहते हमारे गोदाम बने, बगल से हमारे बच्चे हैं, आगे मागे को हर चीज को खतरा है। ये मामला जी जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती गोदाम बना रहे हैं, हमारे मना कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं बना उन्हें यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, और हमारे कितने पास में घर है, हम उनको डर लग रहा है, खतरा है, वो उसे हम कह रहे हैं कि ना बना, कभी नहीं मान रहा है जबरदस्ती। जे आबादी की जमीने बनाया जा रहा है, जहाँ इसने जमीन ली है वहाँ पे ये पहुँचा नहीं है, पटवारी से मिली भगत से इसने यहाँ पर तरवीन करवा ली है, और जो शुद्ध आबादी का एरिया है यहाँ पूरा, जो भी यहाँ निवास करते हैं वो भयभीत हैं, क्योंकि कभी भी सिलेंडर फट सकता है, कोई घटना घट सकती है। यहाँ कुमारों के मकान हैं जो हवा लगाते हैं मिट्टी के, बगल से 11 KV लाइन निकली हुई है, और पटवारी इस पे जबरदस्ती इसको मतलब वो करवा रहा है। पड़ोस के लोग आए थे हमारे यहाँ शिकायत करने, इससे हमको दिक्कत है, तो हमने उससे पूछा तो उसके पास ना कोई हमारे पंचायत द्वारा स्वीकृति दी गई, ना तहसीलदार द्वारा कोई स्वीकृति मिली उनको, वो जबरदस्ती बना रहे हैं। कौन बना रहा है? दिनेश लखीर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आदि महाकाव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर में एक शोभा यात्रा निकालकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। समाज के लोगों ने किशोर सागर स्थित अम्बेडकर भवन से एक शोभा यात्रा निकाली, जिसने पूरे नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। बाद में यह शोभा यात्रा पन्ना रोड स्थित बाल संप्रेषण गृह बच्चा जेल के समीप स्थित वाल्मीकि मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान वाल्मीकि के अनुयायियों ने उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। बैंड बाजों पर लोग थिरकते नजर आए। महर्षि वाल्मीकि के चित्र को रथ पर रखकर निकाला गया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। ओरछा रोड थाना पुलिस ने बुधवार की देर रात नौगांव रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से लगभग 2.25 लाख रुपए की राशि जब्त की है। यह जब्त राशि पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को आगे की जांच हेतु सौंप दी है। थाना पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश बांदा में किधौली नरेनी का पूरन सिंह बुधवार की देर रात UP 90C 1602 नंबर कार पर सवार होकर एक बैग में 2,20,000 रुपये भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने नौगांव रोड पर थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया। थाना पुलिस ने रुपए जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है। वाहनों की चेकिंग के दौरान फैक्ट्री टाउन के सामने छतरपुर नौगांव रोड पे जो है हम लोग चेकिंग कर रहे थे, उसी दरमियान जो है एक 800 कार जिसका नंबर है UP 90C 1602, इस पर जो है इसको रोक करके चेकिंग की गई, तो पीछे वाली सीट में एक ट्राली बैग रखा हुआ था, और बैग को देखा तो उसमें 100-100 रुपये के नोट की गड्डी रखी पाई गई थी, और कुछ नोट जो है सीट के नीचे भी रखी पाई गई थी। तो वाहन मालिक जो है पूरन सिंह है, ये खिंडौली थाना नरेनी जिला उत्तर प्रदेश के हैं। इनसे नोट का परिवहन करने और ले जाने के संबंध में और नोटों के संबंध में दस्तावेज चाहे गए, जो इसके पास जो है कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा, इसके पास रुपया ले जाने के संबंध में कोई भी वास्तविक कारण नहीं था। इस कारण जो है हमारे संयुक्त टीम ने जो रुपये जो है कुल को मिला के 2,20,000 रुपये जब्त कर लिए। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है।
तीन महीने के एक मासूम को आखिरकार एक सहारा मिल गया है। छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र में तीन महीने पहले मिले एक मासूम बच्चे को तीन महीने तक उपचार के लिए अस्पताल में रखा गया और गुरुवार को छतरपुर के राजश्री अनाथ आश्रम ने इस बच्चे को गोद ले लिया है। अब इस बच्चे की परवरिश और इसका पालन पोषण राजश्री आश्रम में होगा और इसके बाद इसे किसी अन्य परिवार को गोद दिया जा सकेगा। जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान इस बच्चे को राजश्री आश्रम के प्रबंधन ने अपनी सुपुर्दगी में लिया और इसके पालन पोषण का वादा किया। लावारिस बच्चा करीब 3.5 महीने पहले भर्ती हुआ था, बड़ी बुरी कंडीशन में था, कोई इसके साथ था नहीं, तो एसएनसीयू में हम लोगों ने इसको उचित चिकित्सा की, बहुत अच्छा सघन चिकित्सा की उसकी और उसको स्वस्थ करके आज वो एक करीब 3.5 महीने का हो गया है और बच्चा पूर्ण स्वस्थ है। तब फिर हमने उसको हैंडओवर करने के लिए हमने जो जो पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करके उसको आज हैंडओवर का आदेश प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे एक नवजात शिशु बालक है, उनकी बच्चा है और उसको मैं अपने आप पोषण देख रेख में रखने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसको हम अपने यहाँ पर भी ले जाएंगे और इसकी आगे की प्रोसेस पर हम एडॉप्शन की प्रोसेस करेंगे। बच्चे के जैविक माता पिता की खोज के लिए हम लोग पुलिस को भी सूचना देंगे, पुलिस के बाद हम लोग पेपर में विज्ञापन भी निकलवाएंगे। अगर कोई अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो फिर बच्चे को लीगल फ्री करा के बाल कल्याण समिति के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे को एडॉप्शन के दिया जाएगा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो के खरोही ग्राम में कुआं धसकने से 2 लोग उसमें दब गए थे। 24 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तब जाकर अभी फिलहाल 1 शख्स की लाश वहां से मिल पाई है, अभी दूसरे शख्स की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक हरिचरण पटेल के खेत में नीचे तरफ कुछ दरार आ गई थी, जिसको भरने के लिए हरिचरण पटेल स्वयं और रामप्रसाद कुशवाहा ने दोनों लोगों ने नीचे उतरकर वहां ईंट गारे से उसको भरना शुरू किया, लेकिन अचानक कुआं धंसने से दोनों लोग मलबे में दब गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद मात्र 1 शख्स को निकाला गया है। छतरपुर की टीम द्वारा पर्याप्त मात्रा में काम न कर पाने की वजह से भोपाल से SDERF यानी स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिसोर्स फोर्स को बुलाया गया, जो कि लगातार काम कर रही है। हालांकि 3 बजे काम अचानक रोकना पड़ा क्योंकि पानी का रिसाव काफी ज्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। अब कुआं तो बंद था 5-6 महीना पहले, थोड़ी इसमें दरार आ गई थी। दरार भरने के लिए मजदूर आया और अपने बच्चे थे छोटे वाले, इनको कुआं में बढ़ गए दोनों। बेटा जी आप खड़े थे जी, थोड़ी वहां से माटी गिरी और 2 मिनट के अंदर पूरा कुआं खिसक गया नीचे, दोनों लोग चप गए नीचे। प्रशासन का चल रहा है, प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही है। कल से ये पूरा, हाँ कल से पूरा, बच्चा ही निकाल पा रहा है कुआं से अंदर बाहर। यहाँ पे हरिश्चंद्र पटेल का लड़का कुआ है, जो उनका कुआ भटक गया है, उसमें विजेंद्र नाम का लड़का उनका और एक कुठवाहा कुआ में काम कर रहे थे, थोड़ा इसलिए है जो एकाएक कुआ पूरा इसी साल बंधा हुआ था और ये कुआ भटक गया है और प्रशासन यहाँ पे पूरा अमला प्रशासन का कार्य कर रहा है और पूरा गांव यहां मौजूद है और तमाम क्षेत्र के कर्मचारी है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यालयों में अब गहमा गहमी अक्सर देखी जा रही है, चुनाव का माहौल है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के कार्यालय में भी सुबह से ही गुरुवार को गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में यहां पर क्षेत्र भर के और जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल यहां पर AICC से हरियाणा से कैप्टन अजय यादव को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है, जो कि अब चुनाव तक छतरपुर और टीकमगढ़ के प्रभारी रहेंगे। पर्यवेक्षक के समक्ष अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने मांग रखी। उनका ये कहना था कि बड़ा मलहरा और महाराजपुर विधानसभा सीटों में बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी, जगदीश शुक्ला, भवानी दीन मिश्रा, सिद्धार्थ शंकर बुंदेला सहित महिला विंग्स और NSUI के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात सामने रखी। उनका कहना था कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ये नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आए हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव जी। आप पूर्व में 6 बार के MLA रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं,
इन्होंने संगठन में समन्वय और सत्ता में समन्वय बनाने की बात करी है। ये हमारे यहाँ पर जब तक हमारे यहाँ चुनाव हो नहीं जाते हैं तब तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हमारे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर मिशन 2018 को सफल बनाएंगे। शुरू से ये दिशा निर्देश है कि टिकट के बारे में वो चर्चा नहीं करेंगे, संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जो इधर पे कार्यकर्ताओं ने महाराजपुर बड़ा मलहरा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रत्याशी की बात रखी है, अभी हमारी उनसे एकांत में चर्चा होगी तो वो निश्चित तौर से राहुल जी पे कार्यकर्ताओं की मंशा को उन तक पहुँचाएंगे। उन्होंने रखी है कि हमारे यहाँ स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो के गोरा गांव में 16 लोगों को नील गाय का शिकार करते और मांस के साथ वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। लगभग 2.5 दर्जन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 939(2)(ab) और 51 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। DFO ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला दर्ज करने के बाद इनको न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनगर के समक्ष पेश भी किया गया है। घटना हुई थी, उस नील गाय को जीवित निकाला गया कुएं से, उसके बाद इन आपराधिक तत्वों ने उसको काट करके और आपस में बांट करके इसको खाने का पूरा प्रयास किया। इसी बीच वन अमले को इसकी जानकारी लगी है और रेंज ऑफिसर JP मिश्रा द्वारा और उनके अधीनस्थ वन अमले द्वारा इसकी जब्ती की गई है। वन्य प्राणियों के शिकार के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं जिसका व्यापक प्रचार प्रसार इस पूरे क्षेत्र में किया गया है। छतरपुर वनमंडल के अंदर 6 रेंजर्स हैं जिसके अधीनस्थ करीब 300 का स्टाफ है। सभी अपने अपने स्तर से इस बात का पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि वन अपराध वन्य प्राणियों के शिकार घटनाएं न हों और फिर भी इक्का दुक्का जो घटनाएं हो रही हैं उसको तत्काल कार्रवाई कर। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें हर घंटे देखते रहने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।